हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जोडियक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट एरीज़ याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। ऑल्सो इस रीडिंग के जितने भी इंफॉर्मेशन, टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है, उसके बाद आपका लव सिचुएशन, एंड उसके बाद आपका करियर एंड फाइनेंसेस एंड बाकी के सब कुछ। सो जो लोग कोई भी पार्ट स्किप करना चाहते हो या कोई भी पार्ट पहले देखना चाहते हो, आप नीचे टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। एरीज, आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर नवंबर? जनरल मैसेजेस फॉर नवंबर स्पिरिट। ओके, सो वी हैव विंटर सोलस्टिस रिफ्लेक्शन। आपका फर्स्ट कार्ड विंड एक्टिवेशन। व्हाट डू वी हैव फॉर माय एरीज? वन मोर कार्ड फॉर माय एरीज प्लीज। व्हेल ब्रीच। द फर्स्ट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग एरीज इज दैट कुछ लोग आप काइंड ऑफ किसी और को खुश करने के लिए खुद को दुखी कर रहे हो, जो मुझे सुनाई दे रहा है या फील हो रहा है। इट्स दैट आप किसी और को इम्प्रेस करना चाहते हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका पार्टनर हो, फ्रेंड हो, आपके कलीग्स हो, बॉस हो, बट आप किसी और को खुश करना चाहते हो, बट उल्टा आप खुद को ही आप खुद सैक्रिफाइस कर रहे हो, या फिर आप खुद को दुख पहुंचा रहे हो, या खुद को प्रेशर कर रहे हो आप कुछ ऐसा करने के लिए जो शायद आप नहीं चाहते हो, बट मे बी जो किसी और को इम्प्रेस करेगा, जो किसी और के लिए अच्छा होगा। सो कुछ लोगों के लिए वो एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। सो पॉइंट आउट करना नेक्स्ट मंथ दैट आप किसी का भला करने के लिए कुछ अगर करो वो बहुत अच्छी बात है, बट आप खुद को हार्म करके नहीं कर रहे हो, ठीक है? खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद के वैल्यू, खुद का सेल्फ लव, खुद का इमेज या खुद का जो भी इमोशन है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको आप हर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। नाउ व्हाट आई रियली सी एरीज इज दैट नेक्स्ट मंथ नवंबर देयर विल बी ड्यूअलिटी इज समथिंग आई एम हियरिंग। लाइक आप लोग एक सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं, आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है? आई फील दैट आज तक आप उस फ्रेंड को एक पर्टिकुलर नज़रिए से देखते थे। आपको पता था दैट ये उस फ्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा ऐसा वो बिहेव करता है, ऐसा ऐसा वो कहता है, एंड ये उसका नेचर है। बट आई थिंक उसके नेचर में आपको कुछ और नज़र आएगा, यू नो, कुछ एक्स्ट्रा जो आज तक आपको दिखा नहीं। एंड ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा नज़र आएगा लोगों में जो आप आज तक देख नहीं पाए या जो आज तक आपके सामने आया नहीं। मे बी डिवाइन टाइमिंग की वजह से, मे बी आप आपका ग्रोथ हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो जिस कारण से आप देख पा रहे हो। सो वॉट एवर द रीज़न, आप बहुत कुछ देख पाओगे जो या तो आपसे छुपा हुआ था या फिर जो आप पहले आपको दिखा नहीं, मे बी आपके सामने ही था, जो रियलाइजेशन आपको हुआ नहीं, एंड जो आपके लिए ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। सो आई फील दैट हर एक सिचुएशन, हर एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में, हर एक फ्रेंड, कनेक्शन जो भी है, सिचुएशन, आई थिंक आपको बहुत गहराइयों से देखने को मिलेगा। आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा दैट एक्चुअल रियलिटी क्या है, या ये रिलेशनशिप या इस सिचुएशन को आप आज तक जैसे देखते थे, मे बी वो रियलिटी में उससे कुछ बढ़ के है, ठीक है? एंड आई फील दैट दिस इज़ यहाँ पे एक्टिवेशन है, बट आई फील दिस इज़ नॉट द मंथ टू टेक अ लॉट ऑफ एक्शन।
ओके, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये मंथ में आपको ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए या आप ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, बल्कि मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इज़ दैट दिस इज़ द मंथ टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द मंथ टू सी, टू यू नो इवैल्यूएट दैट क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या दिख रहा है, रियलिटी क्या है. बिकॉज़ अक्सर हम लोगों को सामने से जो दिखता है वो होता नहीं है, या फिर हम लोगों को जो यू नो हम लोगों का जो माइंड है कभी कभी गेम्स खेलता है हम लोगों के साथ, दैट हम लोग जो देखना चाहते हैं वही हम लोगों को दिखता है, बाकी हम लोग नहीं देख पाते हैं. सो नेक्स्ट मंथ आई थिंक आप वो जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर कर रहे हो. आप हर किसी का इंटेंशन, हर किसी का बिहेवियर, हर किसी का डुअलिटी, रियलिटी क्या है एक्चुअली में, हर डिटेल जो आपने मिस किया है पहले, आपको वो दिखेगा एंड उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे. सो नेक्स्ट मंथ आई फील एक ऐसा मंथ है जिस मंथ आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, ताकि आप ग्रो कर रहे हो साथ साथ में, एंड ऑल्सो आप खुद को सेफ गार्ड कर पा रहे हो. एंड आई थिंक ये आपके एंसेस्टर्स या यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप, ताकि आप मुसीबत में ना पड़ो, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, कौन कैसा है, किसका क्या इंटेंशन है, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ छुपा हुआ है आपसे, अगर आपको लगता है जो जवाब आपको नहीं मिला यूनिवर्स से आज तक, आई फील दैट डिवाइन टाइमिंग आ चुका है दैट आपको वो जवाब मिले, आपके पास वो क्लैरिटी हो, वो नॉलेज हो, वो इन्फॉर्मेशन हो जो आप आज तक ढूंढते थे या जो आज तक आपको मिला नहीं, दिखा नहीं. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक हेवी मैसेज है ये. ठीक है, अगर रेजोनेट ना कर रहा है फोर्स मत करना इसको, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना है इससे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन एरीज, एंड देखते हैं आपकी लव सिचुएशन में क्या है फॉर नवंबर. ओके, वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लव सिचुएशन फॉर माय एरीज आउट देयर, हर्मिट. आई थिंक एरीज आप अपने लव सिचुएशन में आई एम हियरिंग प्लेइंग द विक्टिम. आई डोंट नो, आपको लगता है दैट आप इस सिचुएशन में विक्टिम हो, या फिर आपको लगता है दैट आपके साथ किसी लव सिचुएशन में नाइंसाफी हुई है. आई डोंट नो, बट आई फील दैट एरीज आप साइड बाई साइड सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप साइड बाई साइड अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है. आई एम हैविंग मी टाइम, सो आई थिंक एरीज नेक्स्ट मंथ आप काइंड ऑफ मी टाइम कर रहे हो, एंड मी टाइम से मेरा जो मतलब है दैट इज़ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. यू नो, आप काइंड ऑफ मे बी अगर आपको पसंद है यू नो ब्यूटी पार्लर्स जाना, या खुद के साथ टाइम बिताना, स्पा वगैरह करना, खुद को एक नया हेयर कट देना, या कुछ करना यू नो अपने लिए, या शॉपिंग, या फिर अपना फेवरेट फूड कुक करना घर पे, खाना, अपना फेवरेट मूवी देखना, जो भी है, ये डेकोरेशंस करना, कुछ क्रिएटिव करना, यू नो मेडिटेट करना, ये जो भी है, आई थिंक दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. सो दिस इज़ एब्सोल्यूटली सेल्फ लव एनर्जी एरीज, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे, एंड ये आपके वाइब्रेशन को एक्चुअली में लिफ्ट कर रहा है. जो भी नेगेटिविटीज़ है वो आपको और भी आसानी से दिख रहा है बिकॉज आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज आप खुद पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, बिकॉज आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा चीज़ें बोल रहे हो, आपका एनर्जी पॉजिटिव है, आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव है, सो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड जो भी पॉजिटिव नहीं है वो आपको क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जी. नाउ आई फील कुछ लोग बर्डन हो अपनी लव सिचुएशन में, अपने मैरिज को लेके, अपने कनेक्शन को लेके, आपको फील हो रहा है ये वन साइडेड हो गया है, आप ज़्यादा यू नो एफर्ट्स डाल रहे हो अपने पर्सन से, या आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, फिनेंशियल हो, मेंटल हो, डज नॉट मैटर. आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूँ, लाइक वाई इज़ दिस हैपनिंग, या पहले तो ऐसा नहीं था, या किसी और के साथ ऐसा नहीं होता है. सो मे बी आपको थोड़ा सा वो विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहा है दैट यू नो
काश मैं इस पर्सन से नहीं मिलती तो आज नहीं ये नहीं होता, या काश ये नहीं होता तो वो नहीं होता। सो आप काइंड ऑफ एक विक्टिम मेंटालिटी में हो, एंड ये आप इससे निकल सकते हो सिर्फ सेल्फ लव के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, प्रॉपर यू नो, अगर आप खुद को सेपरेट कर लोगे। एंड सेपरेशन मतलब ये नहीं कि आपने ब्रेकअप कर लिया, वो सब मैं नहीं बोल रही हूँ। सेपरेशन मतलब खुद के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, सोशल मत हो, ठीक है? एक डिस्टेंस मेंटेन करो हर एक पर्सन से, एक डिस्टेंस मेंटेन करो अपने पार्टनर से, एंड उसमें कुछ भी खराब नहीं है, वो हेल्दी है। एक दूसरे को स्पेस देना हेल्दी है, सो टेक दैट स्पेस खुद के लिए, इस पर्सन के लिए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि पूरा बर्डन आपके ऊपर है, वन साइडेड सिचुएशन है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, टेक योर स्पेस, अपना हक मांगो, ठीक है? डोंट कॉम्प्रोमाइज़, अपना एनर्जी लेवल्स डाउन मत करो, अपना वाइब्रेशन को नेगेटिव पे मत लाओ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? सो टेक योर स्पेस एरीज। एंड अगर आपको लग रहा है कि उससे आप इस रिलेशनशिप को नहीं बचा पाओगे, देन खुद से सवाल करो दैट ये सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट द अदर पर्सन्स। वो सवाल खुद से पूछो एंड देखो वॉट इज़ रॉन्ग विद द सिचुएशन। सो लेट अस सी इफ यू आर डीलिंग विद समबडी, उस पर्सन का एनर्जीज क्या है एरीज के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी अ पर्सन मैरिड है, या दिस इज समबडी जो अपने करियर में फोकस्ड है, या बहुत ही रिच हो सकते हैं, या ये पर्सन अपने पेंटिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस वक्त। एट ऑफ पेंटिकल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई एम हियरिंग, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप जितना क्लोज ऑफ हो रहे हो, आप जितना काइंड ऑफ खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ये पर्सन उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो दिल से, एंड ना ही बस इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज मैंने देखा है दो किस्म के लोग होते हुए, एक किस्म के लोग होते हैं जो सच में सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं अंदर से, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, एंड वो करके वो अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं, अंदर से उनको एक कंफर्ट मिलता है, एक प्रॉपर पीस मिलता है, पीस ऑफ माइंड। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे दैट मैंने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, मैंने हीलिंग किया है, मैंने मेडिटेट किया है, बट फिर भी ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे, फिर भी ये कनेक्शन वर्क क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज आपने किया ही है इस पर्सन के लिए। एंड रिमेंबर, आपका फर्स्ट एनर्जी क्या था? आप दूसरों को प्लीज करना चाह रहे हो, खुद को नहीं, आप दूसरों को पहले प्लीज करना चाहते हो, आप दूसरों को पहले इंप्रेस करना चाहते हो, आप दूसरों को पहले अट्रैक्ट करना चाहते हो, दूसरों से पहले प्यार चाहते हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को आप पीस नहीं दोगे, खुद के लिए जगह नहीं बनाओगे, तो आपके लिए आप किसी और के लिए जगह नहीं बना पाओगे, एंड ये आपकी गलती भी नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद को माइंड में रख के, किसी और को नहीं। बिकॉज ये गलती बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, दैट दे डू लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर समबडी एल्स, कि उसके लिए करना है। नहीं, सेल्फ लव किसी और के लिए नहीं, सेल्फ लव आपके लिए होता है, ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड। नाउ व्हाट आई रियली सी हियर नवंबर में इज द रोल्स गेटिंग रिवर्स्ड, एनर्जीज वाइस वर्सा होता है जैसा मैंने कहा। सो उस हिसाब से आपको लेना है इस रीडिंग को। रोल्स गेटिंग रिवर्स से मेरा मतलब है दैट अब तक आपको लग रहा था दैट ये कनेक्शन का बोझ आपके ऊपर है, इस कनेक्शन को आप टैकल कर रहे हो, वन साइडेड है, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है आपके साइड से। व्हाट आई फील नवंबर में, आप जितना सेल्फ लव हीलिंग कर रहे हो, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपने लाइफ में, इस पर्सन के ऊपर वो प्रेशर बन रहा है ऑटोमेटिकली, एनर्जेटिकली, दैट ये पर्सन आप यू नो ये पर्सन आपको खो रहे हैं, आप काइंड ऑफ दूर जा रहे हो एनर्जेटिकली, बिकॉज आपका एनर्जी आपके ऊपर इन्वेस्टेड है, इस पर्सन के ऊपर नहीं। वो प्रेशर बन रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग बन रही है, वो काइंड ऑफ एक एनर्जी उनको फील हो रहा है दैट समथिंग इज़ मिसिंग, वो कुछ मिस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। मान लो आपका पर्सन जो थे वो बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लेते हैं आपको, कि आप तो हमेशा होंगे, आप तो हमेशा समझोगे, आप तो हमेशा सैक्रिफाइस करोगे, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करोगे,
आप ही एफर्ट्स डालोगे, बट जब इस पर्सन को दिखेगा दैट एक्चुअली में आप बिज़ी हो या एक्चुअली में आपका एफर्ट्स नहीं है, आपका एनर्जी ही नहीं है, इस पर्सन को तभी फील होगा दैट इस पर्सन के साइड से भी कुछ नहीं है. एंड दैट इज़ द रियलाइजेशन जो इस पर्सन को चाहिए, टू अंडरस्टैंड दैट एक रिलेशनशिप दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं. एफर्ट्स दोनों तरफ से आने चाहिए, एक तरफा नहीं. ओके, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड. अगेन आई एम टेलिंग यू, एनर्जीज रिवर्स्ड हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजनेट्स. ओके, सो आई फील नवंबर में फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज काइंड ऑफ टेकिंग अ चांस. ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को रिवाइव करने की, बट आई डोंट फील ये पर्सन डायरेक्टली आके आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या डायरेक्टली आके कह रहे हैं दैट चलो रिकनसाइल करते हैं या चलो ठीक करते हैं, चलो कम्युनिकेट कर. नो, नहीं. वट इज़ हैपनिंग इज दैट यू विल सी दैट ये पर्सन आपके ऊपर क्यूरियोसिटी जग रहा है. मे बी ए पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी ए पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, मे बी इस पर्सन का फ्रेंड यू नो रैंडमली आपसे आके कुछ पूछ रहा है, मे बी ए पर्सन आपसे बस थोड़ा सा कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड देन अगेन क्लोज ऑफ हो रहे हैं. बिकॉज आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ. ये पर्सन एनर्जीज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं नवंबर में, दैट एक्चुअली में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, एक्चुअली में आप सच में वेट करोगे या नहीं. जिस पर्सन को इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया था, क्या वो पर्सन सच में टेकन फॉर ग्रांटेड डिजर्व करता है या नहीं. सो वो सवाल इस पर्सन के माइंड में होगा. सो डिरेक्ट कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट मत करो, बट आई कैन टेल यू दैट सेल्फ लव आपको हेल्प करेगा एक्चुअली में इस पर्सन को अट्रैक्ट करने में, जो ऑटोमेटिकली होगा, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो द मेन एनर्जी इज़ खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एरीज, दिस इज़ हाई टाइम. किसी और को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो मैटर वॉट. ब्रेकअप करना चाहते हो करो, मूव ऑन करना चाहते हो करो, रिकनसाइल करना चाहते हो करो, जो भी करना है करो, बट खुद को नंबर वन प्रायोरिटी में रख के करो. दैट इज़ दी ओनली थिंग जो आपको फॉलो करना है एटलीस्ट November 1st to November 15th 2021 के लिए. अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है टॉरस एनर्जी, मेरे पास है वर्गो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, या दैट इज़ व्हाट आई हैव. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं. एरीज, व्हाट डू वी हैव फॉर योर करियर सिचुएशन. लेट्स सी एरीज, योर करियर एंड योर फाइनेंसेस फॉर माय एरीज. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय एरीज आउट देयर. फोर ऑफ कप्स, ओके, Wheel of Fortune reversed. So I think Aries, the main energy है is that you are feeling that आपने कुछ opportunities है life में जो आपने miss किया है. life में आपका time निकल गया है कि आप successful हो, वो time आपका चला गया है, या आप late हो, दूसरे लोग आपसे आगे है and आप पीछे रह गए, आपसे ना हो पाया, आप कुछ नहीं कर पाए. मे बी ऐसा आप फील करते हो, कोई आपको ऐसा फील करवा रहा है. Queen of Wands. So the overall energy here, Aries, is basically okay. Important stuff. I think November में आप kind of you are getting that hope. You know, मैं एक example देती हूँ. मान लो that अगर कोई नीचे गिरता है ज़मीन पे कहीं से, गिरते गिरते एक point आता है जब उसके नीचे इंसान नहीं जा सकता, उसके नीचे इंसान और नहीं गिर सकता. सो आई थिंक वही हो रहा है आपके साथ, दैट आप मे बी टेंशन ले रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे बहुत टाइम से. आप बहुत टाइम से स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत टाइम से आपको फील हो रहा है दैट आप लॉसेस में हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप हर एक अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हो, रिजेक्शंस मिल रहा है. मे बी आपका होप कम हो चुका है, मे बी आपका डिटर्मिनेशन कम हो चुका है. सो कम होते 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 आई थिंक आप उस ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए हो जिसके नीचे आप और नहीं जा सकते, बिकॉज उसके आगे जो होगा उसके आगे आप सिर्फ राइज करोगे, आप ऊपर उठोगे उस ग्राउंड से, उस ज़मीन से. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग.
आज तक आपको आप फील करते हो दैट आपने कुछ मिस किया है, या आपका जो आप कर सकते थे लाइफ में आप वो नहीं कर पाए, या दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ गए. बट आई थिंक नवंबर में द अपॉर्चुनिटी, या तो कोई अपॉर्चुनिटी है, या तो कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, या आपको कहीं से हेल्प मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, समथिंग आप गैदर कर रहे हो, आप अपना यू नो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो, वो वैल्यूज़ आप गैदर कर रहे हो जो आपको हेल्प करेगा आगे उठने में, राइज करने में लाइफ में, अपना एक पहचान बनाने में. चाहे डज नॉट मैटर कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए तभी आप सक्सेसफुल हो, वरना आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप कोई भी पैशन के साथ कोई भी काम करते हो, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, जो भी काम, एनी वर्क, अगर आप पैशन के साथ कर रहे हो वही आपके लिए सक्सेस है. अगर लोग उसे पसंद कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हो, एंड आप खुश हो अपने काम से, उस रिवॉर्ड से, उस ब्लेसिंग से, देन आई वुड से दैट आप सक्सेसफुल हो. सो आपको फाइनली वो मौका या वो सक्सेस मिल रहा है, आप अपना पॉइंट प्रूव कर पा रहे हो दुनिया के सामने दैट आप किसी से कम नहीं हो, या आप यू नो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किए, या सक्सेस के लिए कोई भी जेंडर, कोई भी कास्ट, कोई भी उम्र ज़रूरी नहीं है. किसी भी एज में, आपका किसी भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, आपका जेंडर कोई भी क्यों ना हो, आप सक्सेसफुल लाइफ में हो सकते हो. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, बिगेस्ट ब्लेसिंग जो आपको मिलेगा आगे जाके. ठीक है, सो देर इज़ दैट ब्रेक डाउन पॉइंट जिसे आप हिट कर रहे हो नवंबर में, एंड उसके आगे डोंट वरी, आप सिर्फ ऊपर ही उठोगे, आप सिर्फ राइज एंड शाइन करोगे. सो डोंट टेक स्ट्रेस. अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिस किए भी हो, रिजेक्शन लाइफ में मिला भी है, तो भी आपका कुछ भी नहीं गया. आप अभी भी आज से कुछ भी कर सकते हो आगे, जो आप करना चाहते हो. आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपका उम्र नहीं निकला गया है, आपका कुछ भी नहीं खोया है. यू हैव एवरी थिंग टू राइज इन लाइफ, यू हैव एवरी थिंग, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप सक्सेस में बदल सकते हो. बस कोशिश करो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो. डोंट लेट एनी वन एल्स शो यू अदरवाइज. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई एरीज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजिनेट किया हो. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.